हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल योर डिजायर पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम दिल्ली में हैं, जिसके पहले अभी डबल डेकर का वीडियो हमने बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अब दिल्ली में हैं तो हमने बताया था कि दिल्ली की चीज़ों को भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे हम समय मिलने पर। तो आज हम आपको लेके आए हैं लोटस टेम्पल, कमल मंदिर, जो बहुत ही फेमस है दिल्ली में घूमने के लिए। यहाँ पे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कालका जी मंदिर और आपको नेहरू प्लेस के आसपास में ये लोटस टेम्पल है। यहाँ से आपको कालका जी मंदिर, अगर आप उतरते हैं मेट्रो स्टेशन पे, तो आपको 500 से 700 मीटर के अराउंड यहाँ पहुँच सकते हैं आप लोग और आके इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे पहले भी आप लोग जानते होंगे लोटस टेम्पल के बारे में, बहुत ही मतलब अनोखा स्थल है ये देखने के लिए। बहुत सी भीड़ इकट्ठा होती है यहाँ पर। और अगर हम लोटस टेम्पल के बारे में कुछ विशेषताओं की बात करें, तो ये हमारे भारत के राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। हल्का हल्का झलक देख पा रहे होंगे आप लोग, हम अभी करीब ले चलेंगे उसके, आप लोगों को अंदर से भी दिखाएंगे, अच्छी तरह से दिखाएंगे। और मेरा टारगेट ही यही रहता है कि हम इतनी अच्छी तरह से दिखाएं कि आप लोग को लगे ये कि मेरे साथ आप लोग भी इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं अच्छी तरह से। तो अगर लोटस टेम्पल की विशेषताओं की बात करें, तो ये सबसे पहले इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है, 1986 में, और 35 सालों से ये आम लोगों के लिए खुला हुआ है। अगर इसकी ऊँचाई की बात करें हम, तो ये 33 मीटर की ऊँचाई पर है, लगभग 112 फीट। और इसका डायामीटर चारों तरफ से गोल अगर बात करें, तो ये लगभग 70 मीटर के आसपास है, जो कि लगभग 223 फीट के आसपास है। तो ये 1986 से हमारे पास है। और ये बात करें तो लोटस टेम्पल है, मंदिर है, तो मंदिर से पता चलता है कि भाई कैसी मंदिर है। तो ऐसा मंदिर है, ये बहाई आस्था का केंद्र है। बहाई ईरानियों के द्वारा माना गया एक मतलब धर्म है, या एक ईरानी धर्मावलंबी हुए जिनका नाम है बहामुल्ला, तो उनके ही अनुयायी यहाँ पे मतलब पूजा आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ऐसे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकते हैं, हर लोग आ सकते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, घूमते हैं। स्पेशली ऐसे ये बहाई धर्मावलंबियों के लिए ये मंदिर है, जो कि 1986 में बना हुआ है। और यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, यहाँ स्पेशली कोई कर्मकांड नहीं होता है, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, मतलब मंदिर तो है ही, यहाँ पे कोई उसमें मूर्ति नहीं है। और मतलब वाकई गजब का जगह है, यहाँ पे आने के बाद एक अच्छी फीलिंग आएगी आप लोगों को। ब्लॉग में हम आगे बढ़ते हैं और करीब ले चलते हैं आपको लोटस टेम्पल के पास और करीब से दिखाते हैं आपको इसका नज़ारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोटस टेम्पल। धीरे बढ़ रहे हैं लोटस टेम्पल के पास। आपका भी यहाँ के अगल बगल की भी आप नज़ारे को देख सकते हैं, एक अच्छा पार्क और चारों तरफ लोगों की गैदरिंग है, सब लोग आए हुए हैं घूमने। यहाँ फॉरेनर टूरिस्ट भी आए हुए हैं और हम चारों तरफ का व्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसी हरियाली यहाँ पे है। और अभी जुलाई का मंथ चल रहा है और यहाँ पे ख़ास तौर से दिल्ली में बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और अच्छा लग रहा है ऐसे मौसम में घूमना, क्योंकि दिल्ली में के गर्मी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, दिल्ली की गर्मी में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज जो ऐसा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और थोड़ा थोड़ा धूप भी निकला हुआ है, व्यू साफ है और ऐसे मौसम में ही शायद कैमरा भी अच्छा काम करता है। और आप भी जब भी आएँ, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं पूरी बारिश में आएँ, क्योंकि बारिश भी दमदार होती है दिल्ली में, तो ऐसे समय में आएँ, मौसम कुछ ठंडा रहे तो दिल्ली घूमने का मज़ा आए। तो धीरे धीरे हम ले चल रहे हैं आप लोगों को लोटस टेम्पल के करीब, इस बहाई आस्था के केंद्र पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बहाई लोग ही आते हैं, यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं और हर धर्म के लोग आते हैं और घूमते फिरते हैं। और यहाँ पे कोई विशेष रूप से ये नहीं है कि यहाँ पे कोई कर्मकांड होता है धर्म से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है, एक आस्था केंद्र है। अंदर जैसा कि मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च किया था, तो मुझे पता चला था कि अंदर यहाँ पे मतलब प्रार्थना के लिए ऑडिटोरियम की तरह है अंदर में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सभी लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो करीब चलते हैं और हम आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ से भी आप एक व्यू लेते रहिए, क्या शानदार नज़ारा है। देखिए लोटस टेम्पल, वह लोग आ गए हैं इसके इक्वल फ्लोर पे। और इधर छोटे छोटे तालाब के जैसे बने हुए हैं,
और इसमें पानी है, शायद पानी कभी कभी अलग कलर का भी होता है, फिलहाल अभी एक ही कलर का है। और इधर भी है, ये चारों तरफ से ऐसे तालाब से बने हुए हैं और इसके बीच में है अपना लोटस टेम्पल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कमल पानी में खिलता है, तो चारों तरफ से पानी है और बीच में कमल। कीचड़ में तो खिलता ही है, लेकिन कीचड़ नहीं कह सकते हैं ना, पानी में खिलता है, पानी में खिला हुआ है। और उसके बाद यहाँ ऊपर से और नीचे का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। हम लोग ऊपर में हैं और अभी जैसे कि गार्ड यहाँ पे हल्ला गुल्ला मचाए हुए कि चप्पल जूता खोलिए, यानी कि चप्पल जूता खोल के अंदर जाना है। हाँ भाई, मंदिर है ये, देखिए एक चिड़िया का झुंड जा रहा है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। वाह क्या नज़ारा है। मैं जाने के लिए लोग की लाइन लगी हुई है और यहाँ पे गार्ड्स के द्वारा ये थैला दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने जूतों को रख के तब अंदर जाएंगे, क्योंकि अंदर मंदिर है तो वहाँ पे कचरा नहीं होना चाहिए। जैसा कि देखिए यहाँ पे एक सज्जन पुरुष अपना जूता खोल के डाल रहे हैं। इनको भी हम आगे ब्लॉग में लेंगे, ये हमारे साथ ही आए हुए हैं। तो ये डाल रहे हैं अपना थैला में, हम अपना भी जूता डालेंगे। आप लोग भी जब हमेशा आइए तो जूते थैला में डालिए और उसके बाद अंदर जाइए। और यहाँ पे नीचे चारों तरफ से 9 रास्ते हैं ऑडिटोरियम में जाने के, जूतों को थैला में डाल के हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं अंदर जाने के लिए। और सभी धर्मों के अभी आप मंदिर के अंदर जाएंगे, जहाँ सभी धर्म के लोग अपने धर्म अनुसार बैठकर प्रार्थना दुआ मनन करते हैं। अंदर आप जितने देर चाहे बैठकर प्रार्थना दुआ मनन कर सकते हैं। प्रार्थना ईश्वर से एक प्रेम पूर्ण वार्तालाप है। उस स्थिति को बनाए रखने के लिए अंदर आप बातचीत नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर लीजिए। अंदर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको इस मंदिर या भाई धर्म के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, निकास द्वार के बाहर हमारे वॉलेंटियर्स मिलेंगे, आप उनसे अपनी भाषा में एक पर्चा ले सकते हैं। प्लीज़ अंदर जाकर बातचीत ना करें, शांति बनाए रखिए और बच्चों का ध्यान दीजिए। अंदर जाकर वो शोर ना करें, अगर वो ज़्यादा शोर करते तो आप उन्हें निकास द्वार के बाहर लेकर आइएगा। मैंने देखा है कि एक वॉलंटियर ने अभी बताया कि अंदर क्या होता है, कैसे शांति बनाए रखनी है, मोबाइल को साइलेंट कर लेना है और इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है और फिर अंदर चलना है। अंदर तो हम लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं जैसा कि भाई ने बताया, तो इसलिए अभी मोबाइल हम लोग ऑफ कर रहे हैं, अंदर वीडियो नहीं बना सकते। चेयर्स लगे हुए हैं जहाँ पे लोग बैठ के प्रेयर करते हैं, कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग आ रहे हैं। तो अभी हम लोग मंदिर से बाहर आ गए हैं, मंदिर में तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, फिर भी हमने थोड़े बहुत क्लिपिंग की है जिसमें आप लोग देख पाएंगे अंदर का नज़ारा और महसूस कर पाएंगे यहाँ के सादगी को। मतलब क्या कहें, वाकई काबिले तारीफ़ है। ये जो आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर का नाम है एक्सप्रेशनिस्ट और इसे 35 साल पहले बनाया गया है। अभी भी एकदम ये नया सा लगता है, शायद मेंटेनेंस होती होगी अच्छे तरीके से, और ज़रूरी भी है ऐसे विचित्र चीज़ को अच्छे तरह से बना के रखना। तो मतलब जब भी आपका दिल्ली आना हो घूमने के पर्पस से या किसी भी काम से, अगर आपको मौका मिले तो एक बार इस जगह पर ज़रूर आइए और यहाँ का नज़ारा देखिए और यहाँ के सादगी को महसूस करिए। इस मंदिर के अंदर जाके क्या शांति है, और ये सारा कमाल आर्किटेक्चर का है, जो कि बाहर से तो एक फूल की तरह दिखता है और अंदर एक ऑडिटोरियम है और बड़ा सा ऑडिटोरियम है, लगभग यहाँ 1300 लोग बैठ सकते हैं एक बार में। तो आपका जब भी दिल्ली आना हो, आप लोटस टेम्पल ज़रूर आइए और यहाँ आके देखिए इसके नज़ारे को, इसकी खूबसूरती को, और इसके अंदर बैठ के इसकी सादगी को महसूस करिए, यहाँ पर एक अलग शांति का अनुभव करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। और अभी अभी हम कोशिश करते हैं यहाँ पे अगर कोई यहाँ का वॉलेंटियर मिल जाता है या धर्मावलंबी मिलता है जो इस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हम और कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में और कुछ विशेष। तो अंदर बाहर हर तरह से आप लोगों को दिखाया हमने, और हमने पता कि आपको बताया भी था ब्लॉग में कि अगर हमें कुछ कोई अगर यहाँ के धर्मावलंबी वॉलेंटियर मिल जाए तो हम उनसे कुछ विशेष बातचीत करेंगे, जिससे आप लोगों को भी यहाँ के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी मिल पाए। तो यहाँ मिले हैं हमको सर, आपका नाम? अक्षय कुमार मिश्रा। अक्षय कुमार मिश्रा जी मिले हैं हमें। अक्षय कुमार मिश्रा जी से मतलब यहाँ पे यहाँ के चीज़ों पर कुछ प्रकाश डालने की बात करेंगे। तो क्या है ये मतलब लोटस टेम्पल? मूल रूप से इस बहाई उपासना मंदिर को, जिसको लोग कमल मंदिर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका आकार कमल मंदिर का है जी,
लेकिन ये बहाई उपासना मंदिर कहते हैं और ये एक बहाइयों की मंदिर है और जो जिसका उद्देश्य है संपूर्ण मानव जाति में एकता, क्योंकि इसके जो संस्थापक बहावला थे जिन्हें हम इस युग का अवतार मानते हैं जी, वो संपूर्ण मानव जाति में एकता के उद्देश्य से आए थे, जिस प्रकार कृष्ण और मोहम्मद एंड जरतुस्त आए थे जी। तो इस मंदिर का जो 1980 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और 1986 में ये कंप्लीट हुआ, तैयार हुआ। और जो बहाई हैं मूल रूप से बहाई धर्म ईरान से शुरू हुआ, ईरान की राजधानी तेहरान से, जहाँ बहावला का जन्म 20 अक्टूबर 1820 में हुआ जी, जी, जी। तो ये और दूसरी बात, इस बहाई उपासना मंदिर की मुख्य विशेषताएं हैं कि ये संपूर्ण मानव जाति को एकता में बांधने का कार्य करती है। आप बहाई फेथ में जी, और मुझे लगता है आप मुझे एक मेरे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि क्या आप मानते हैं कि यूनिटी में सब कुछ संभव है? बिल्कुल। या आप ये मानते हैं, बल है हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, या आप ये मानते हैं कि अब वो समय है जब स्त्री पुरुष की समानता आवश्यक हो गई है? बिल्कुल। तो जो भी ये विचार मानता है, जैसे आप ये विचार मानते हैं जी, या आपके मित्र इस विचार को मानते हैं, तो आप बहाई हैं जी। अच्छा, बहाई होने के लिए एक विशेष कैटेगरी होना बहुत ज़रूरी नहीं जी, है जी, जी, जी। बहाई वो हर व्यक्ति है जो इस चीज़ को मानता है कि हाँ, सत्यवादिता सभी धर्मों का आधार है, या मानवीय सद्गुणों के लिए हमें प्रेम एकता बहुत ज़रूरी है, या वो मानता है कि आज विश्व में धर्म जात पात इन चीज़ों से हटकर मनुष्य को एक होना होगा, या वो मानता है कि हमें हर प्रकार से स्वयं को व्यवस्थित करना होगा और सत्यता की खोज स्वयं करनी होगी। स्वयं करनी, जो ये बात मानता है वो सब बहाई। और मुझे लगता है कि कोई भी विश्व में ऐसा नहीं है जो बहाई कि जो इस चीज़ को नहीं मानता, नहीं है मानता। इसका मतलब है कि वो पूरा विश्व आज बहाई बहाई है जी, जी, जी। मतलब बिल्कुल, आपका धर्म जो यूनिटी की बात करता है कि एकता में ही सब कुछ है, एकता में ही सब कुछ निहित है। और सही बात है, यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई अलग एक धर्म के लोग आएंगे, यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और अपना पूजा उपासना या जो भी कहें वहाँ पे बैठ के शांति का अनुभव करते हैं। तो और जैसे आप क्या माने, बहाई लोग बनते हैं क्या, मतलब अनुयायी बनना होता है, या जैसे कि आपने बताया कि जो भी मतलब इस चीज़ को मानता है, यूनिटी को मानता है, एकता को मानता है, वो बहाई है? तो जो भी इस चीज़ को मानता है जी। आप अभी मंदिर के अंदर भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ कोई मूर्ति और कोई चीज़ें नहीं जी, नहीं है बिल्कुल। उसका मुख्य उद्देश्य यही था, अगर हम मूर्ति और किसी चीज़ को रखते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करती है जी, जी, ह्यूमैनिटी को, और वो उसी के समक्ष जाकर बैठेगा। इसी उद्देश्य से मंदिर में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जी, जी। और फिर उसका एक खास महत्व तब निकल कर आता है जब आपको, आप में हर एक व्यक्ति उसको मानेगा कि हाँ, मुझे कुछ विशेष नहीं करना पड़ता जी, 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 जी। बस आपको बहाई होने के साथ साथ आपको एक चीज़ देखनी होगी कि आप सत्य की खोज करें, अंधानुकरण या रूढ़िवादिता को त्याग दें, ये एक बहाई होने का प्रमाण है। मतलब एक ईश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर को आप मान रहे हैं, कई एक नेचर को मान रहे हैं किसी की, मतलब एक वो है, ऐसा मूर्ति पूजन का कोई ट्रेंड नहीं है आपके यहाँ? नहीं, ये सनातन में भी नहीं, सनातन में भी नहीं। आप अपने हिंदू कल्चर्स को पढ़ेंगे तो उसमें भी मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं। हम प्रकृति को देवता मानते थे, वेद को अगर आप पढ़ेंगे तो वेद का पहला मंत्र यही कहता है, त्रिचा उसकी ऋग्वेद की, कि अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देवीमृतजम होतारम रत्नम धातमम। कहने का तात्पर्य कि जो अग्नि है उसमें अग्नि को पूजा गया, अग्नि को देव माना गया ऋग्वेद में, और लेकिन आप उसमें देखेंगे तो वो पूरे वेद को पढ़ें तो उसमें प्रकृति का ही गुणगान है, गुणगान है बिल्कुल। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसी कोई चर्चाएं नहीं, कोई चर्चाएं नहीं बिल्कुल। मतलब हाँ, प्रकृति की पूजा हो, मतलब जिसके जिससे हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब इस नेचर की पूजा हो, अच्छी बात है। तो और आपका सेशन का टाइम हो रहा है शायद? हाँ, मेरे सेशन का समय हो रहा है। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मतलब शायद ये नज़ारा कभी देखने को मिले, या आप लोग जब आएँ तो इस चीज़ को, इस वाइब को फील कर पाएँ जो कि मेरे कैमरे से ये कैद हो रहा है। वाह, क्या नज़ारा है, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। तो अभी अभी मैंने सब तरफ से आप लोगों को लोटस टेंपल को दिखाया, बाहर से, अंदर से भी मैंने क्लिप लिया, जबकि अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन मैं चाह नहीं रहा था कि मेरे व्यूअर्स इस नज़ारे को मिस कर दें। तो आप जब भी आएँ यहाँ ज़रूर आएँ, और मैंने जैसा कि बताया था वीडियो में पहले कि अगर कोई यहाँ के वॉलेंटियर या धर्मावलंबी मिलेंगे हमें तो हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। तो अभी हमें एक अक्षय कुमार मिश्रा जी मिले थे, यहाँ के वो धर्मावलंबी हैं, इस धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उनसे हमने बात की और उन्होंने इस धर्म के ऊपर, इसकी विचारधारा के ऊपर एक प्रकाश डाला, जिसको मैं वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, जिसको आप लोग ज़रूर देखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें कि ये चीज़ भी आप मिस नहीं कर पाएँ।
तो इसी के साथ अब हम अपने गंतव्य की तरफ चलते हैं, अपने घर की तरफ चलते हैं और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू।